सीबीआई के अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को प्रमोट किया गया। सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए गए नागेश्वर राव को पदोन्नति देकर एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया। ओडिशा में बीजेपी ने ऐलान किया कि अगर वो राज्य की सत्ता में आई तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। यूपी के मेरठ में छेड़खानी के आरोप में लोगों ने एक मंचले की बुरी तरह पिटाई कर दी। बिहार के मुंगेर में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए 21 मकानों को निगम ने तोड़ दिया। बिहार के भागलपुर में रिटायर्ड टीचर ने आरोप लगाया कि 5 हथियारबंद डकैतों ने उनके घर से 10 लाख के गहने और कैश लूट लिया। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने 4 झपटमारों को गिरफ्तार कर उनसे 16 महंगे मोबाइल बरामद करने का दावा किया। यूपी के आगरा मथुरा रोड पर पुलिस ने मुठभेड़ में घायल एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। हिमाचल के रोनहाट में एक अस्पताल में एक नवजात बच्चा बाथरूम की खिड़की में लटका देख वहां हड़कंप मच गया। राजस्थान के रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व में 2 साल की बाघिन को शिफ्ट किया गया। दिल्ली में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कैलिफोर्निया से आए स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा किए। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जारी भारी बर्फबारी की वजह से कई वाहन सड़कों पर फंस गए। मुंबई पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम फडणवीस, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई नेताओं से आधी रात तक 2019 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा की। नवी मुंबई के वाशी में पुलिस ने एक आईटी कंपनी के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने का दावा किया। यूपी के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने गौकशी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों लोग 3 दिसंबर को बुलंदशहर के चिंगरावठी गांव में हुई गौकशी की वारदात में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से गाड़ी, बंदूक और दूसरे औजार भी बरामद करने का दावा किया है। बुलंदशहर के चिंगरावठी गांव में गौवंश के अवशेष मिलने के बाद हिंसा भड़की थी, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की मौत हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गौकशी और हिंसा के अलग अलग केस दर्ज किए थे। कुछ नाम प्रकाश में आए थे जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो घटना में प्रयुक्त गाड़ी है, बंदूक है और जो काटने की कुछ सामग्री है वो सब बरामद की गई है। दिल्ली के त्रिनगर इलाके में हथियार के दम पर हुई लूट से हड़कंप मच गया। वहां अनाज मंडी की एक दुकान में 4 लोगों ने दिन दहाड़े लूटपाट की और बड़ी आसानी से निकल भी गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि एक किराना स्टोर में हेलमेट पहने हुए 3 लोग घुसे। अंदर आते ही एक ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी, दूसरे ने भी अपनी पिस्तौल दुकानदार की पीठ पर लगा दी। इस बीच तीसरे ने कैश काउंटर की तलाशी शुरू कर दी और वहां से कैश निकाल लिया। इसके बाद तीनों बदमाश तेजी से निकल गए। जो पैसे थे वो निकाल के रख लिए और उन्होंने मेरे को बकायदा धमकी दे के गए कि आप किसी तरह की कार्रवाई मत करना। टोटल 4 आदमी थे जो जाते हुए मैंने देखे। लूट की वारदात से दुकानदार और दुकान में काम करने वाले दूसरे लोग हक्के बक्के रह गए और जब तक वो कुछ समझ पाते बदमाश वहां से भागने में कामयाब हो गए। आमतौर पर त्रिनगर अनाज मंडी के इलाके में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन जिस वक्त ये वारदात हुई दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। हालांकि बदमाशों के दुकान में आने के ठीक बाद 2 लड़कियां वहां खरीदारी के लिए आईं, लेकिन उन्हें अंदाजा तक नहीं हुआ कि सामने लूटपाट की जा रही है। लेकिन दुकान के सामने पहले से खड़ी एक महिला ने बदमाशों को हथियारों के साथ दुकान में जाते देखा था। अगर ये महिला शोर मचाती तो शायद बदमाशों को पकड़ा जा सकता था, लेकिन वो चुप रही। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि हेलमेट पहने हुए 4 लोग 2 बाइक पर आए थे, जिनमें एक बाहर ही खड़ा रहा। 3 बदमाशों ने लूटपाट की और पलक झपकते निकल भागे। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने कैब चलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये लोग हाईवे पर कैब का इंतजार कर रहे लोगों को अपनी टैक्सी में बैठाकर सुनसान जगह पर ले जाते और फिर उनको लूट लिया करते थे, जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस हरकत में आई और लोगों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि चारों लुटेरे दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर खड़े लोगों को ही अपना शिकार बनाते थे, जो कैब में बैठाकर हथियार के बल पर सवारियों से या पैसेंजर से लूटपाट करते थे। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2 टैक्सी भी बरामद की गई, जिनके जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 3 महीने में 15 वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की। हालांकि आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिसके बाद लूट की और भी कई वारदात से पर्दा उठने की उम्मीद है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में लिफ्ट देने के बहाने एक आदमी से करीब 1 लाख रुपए की लूट की गई। आरोप है कि कार में सवार 4 लोगों ने उससे मारपीट करके एटीएम कार्ड और उनके पिन नंबर ले लिए, जिसके बाद एटीएम से कैश निकाला और खरीदारी भी की। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले केदारनाथ दफ्तर से अपने घर लौट रहे थे। बस स्टैंड पर एक कार वाले ने लिफ्ट देने के बहाने उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। साथ में खड़े 2 लोग भी गाड़ी में बैठ गए।
मुझे मार दी थी मुझको, सारे एटीएम कार्ड और पिन नंबर ले लिए मुझसे। आरोपियों ने केदारनाथ को कार में बंद रखा और चालाकी दिखाते हुए उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया ताकि वो फोन करके अपने एटीएम कार्ड बंद ना करवा सके। कुछ दूर जाने के बाद आरोपियों ने केदारनाथ को गाड़ी से उतार दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने एटीएम कार्ड की मदद से रुपए निकाल लिए। 10,000 के पहले दो ट्रांजेक्शन किए उन्होंने सर, मेरे तीनों अकाउंट से 1,00,000 रुपए टोटल निकाल लिए। आरोप है कि इसके बाद केदारनाथ के एटीएम कार्ड से हजारों रुपए की खरीदारी भी की गई। इन्होंने मेरे इस कार्ड से 17,000 का एक मोबाइल खरीद लिया, फिर इन्होंने ये वाइन एंड बियर खरीदी 6,000 की। वारदात के तुरंत बाद केदारनाथ शिकायत करने पास के पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन आरोप है कि पुलिस वालों ने टालमटोल की। केदारनाथ को दूसरे थाने भेजा गया जहां मामला दर्ज हुआ। हालांकि केस दर्ज करने के साथ ही पुलिस की टीम मामले की जांच में जुट गई। पुलिस ने उस एटीएम का मुआयना किया जहां से कैश निकालने का आरोप है, साथ ही उस दुकान में भी पूछताछ की गई जहां आरोपियों ने मोबाइल फोन खरीदा था। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से शिवसेना ने किनारा कर लिया, जिससे बीजेपी शिवसेना के बीच दूरी और बढ़ गई। शिवसेना ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी के मंत्री और विधायक प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, और इसीलिए पुणे में पीएम के कार्यक्रम में शिवसेना का कोई नेता नजर नहीं आया। पीएम ने पुणे में मेट्रो फेज 3 की आधारशिला रखी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने महाराष्ट्र में विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश का जिक्र भी किया। जिन भी प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है, ये केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार के उस व्यापक विजन का हिस्सा है जिसके केंद्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी सुविधाएं हैं। पीएम ने इससे पहले कल्याण में 2 मेट्रो रेल लाइन प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया और वहां भी शिवसेना के मंत्री नदारद रहे। रामदास आठवले ने लोगों के खाते में 15,00,000 रुपए आने के दावों पर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने बयान दिया कि 2019 में मोदी सरकार फिर आई तो लोगों के खाते में इस बार 15,00,000 जरूर आएंगे। 15,00,000 रुपया तो एकदम 15,00,000 होना नहीं, पण हळूहळू होतील ते। म्हणजे आता एवढे पैसे सरकारकडे नाही आहे, रिझर्व बँकेला पैसे मागितलेले आहेत पण ते देत नाही आहे, त्यामुळे ठीक आहे। तर पैसे आले तर म्हणजे आश्वासन दिलं होतं, पण याच्यामध्ये अजूनही काही टेक्निकल अडचणी आहे। काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 से 12 जनवरी तक दुबई की यात्रा पर रहेंगे। विवादित फिल्म राम जन्मभूमि की निर्माता और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ मुंबई में फिल्म के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की। बिहार के गया में RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने NDA से अलग होने के बाद महागठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए। यूपी के हापुड़ में गाँव में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यूपी के फतेहपुर में SBI की शाखा में एक बच्चे की बैग से 2,00,000 रुपए चोरी करते तस्वीरें CCTV में रिकॉर्ड हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और आबकारी विभाग ने कैंटर से हरियाणा से लाई गई शराब की 573 पेटी बरामद की। यूपी के बुलंदशहर में सियाना इलाके में हुई गौकशी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार में गृह राज्य मंत्री शहरयार अफरीदी एक वायरल वीडियो में ये कहते पाए गए कि हमारी सरकार के रहते कोई भी हाफिज सईद को छू भी नहीं सकता। इंशाल्लाह कोई माई कलाल, जब तक हम असेंबली में और तरीके इंसाफ है, हाफिज सईद साहब को तो छोड़े। बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कॉर्निश तट पर खराब मौसम की वजह से कई दिनों से फंसा रूस का एक कार्गो जहाज तूफान से बाहर आ गया। परमाणु मिसाइल बनाने के अमेरिका के दावों को खारिज करते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया कि रूस के पास अब भी मिसाइल की कमी नहीं है। यमन में सेना ने विद्रोहियों पर जबरदस्त हवाई हमला किया, वो भी तब जब शिया मुल्क ईरान के समर्थन वाले विद्रोहियों और सुन्नी मुल्क सऊदी अरब के समर्थन वाली सेना में सीज फायर हो गया। आरोप है कि सेना ने इसके बावजूद हमला किया जिसमें 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि इनमें कुछ लोग हाउथी लड़ाकों का निशाना भी बन गए। सऊदी अरब की अगुवाई वाली सेना के साथ हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में बच्चों की तादाद ज्यादा थी। बीते हफ्ते स्वीडन में संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में यमन सरकार और विद्रोहियों के बीच हिंसा रोकने पर सहमति बनी थी। I sincerely hope that we are living the beginning of the end of one of the biggest tragedies of the 21st century, the conflict in Yemen. स्वीडन में हुए समझौते के बावजूद हुडैदा में सेना और विद्रोहियों के बीच संघर्ष जारी रहा। समझौते के बाद फिर से हिंसा भड़कने पर सेना और विद्रोहियों ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए पहुंचे। शाम के करीब 5 बजे दोनों को सोलन के ढाबे पर देखा गया, जिसके बाद ढाबे पर मौजूद लोग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें लेने लगे।
शिमला में प्रियंका गांधी का मकान बन रहा है, जिसका कामकाज देखने के लिए अक्सर गांधी परिवार के लोग शिमला आते हैं। राहुल और प्रियंका भी मकान देखने के लिए ही शिमला जा रहे थे और रास्ते में ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए। उन्होंने आधा पौना घंटा यहाँ पे स्पेंड किया, मैगी ऑर्डर की, चाय, कॉफी, स्नैक्स, और उसके बाद उन्होंने बिल भी पे किया। बहुत अच्छा लगा कि बिल के लिए उन्होंने पूछा। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इतनी महान हस्ती के कदम हमारे वार्ड में पड़े और हमें उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनके साथ बात करने का मौका मिला, अपने व्यूज शेयर करने का मौका मिला, उन्होंने हमारे बातें को अप्रिशिएट किया। और वो बहुत ही साधारण किस्म के आदमी हैं, जितने भी यहाँ लोग थे आसपास उनसे बहुत अच्छे से मिले। 2019 में NDA में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने BJP को चेतावनी दी। NDA की सहयोगी दल और LJP सांसद चिराग पासवान ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी तो इससे BJP को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और BJP नेता बाबूलाल गौर के घर में एक पारिवारिक समारोह में हिस्सा लिया। इस बीच दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ भी रखे दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक सिरफिरा आदमी मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की कोशिश करने लगा, जिसको देखकर भीड़ इकट्ठी हो गई। मुंबई में अभिनेता दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो ने एक बिल्डर पर प्रॉपर्टी के लिए धमकाने का आरोप लगाकर PM मोदी और CM फडणवीस को चिट्ठी लिखकर मदद की मांग की। CM को भी रेफर किया था, वो भी कोशिश में लगे हुए हैं, तो अब PM साहब को शामिल करेंगे तो उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट आए। बिहार के मोतिहारी में एक समारोह में डांस कर रही एक महिला पर एक आदमी ने गोली चला दी, जिसमें घायल महिला की जान बाल बाल बच गई। झारखंड के हजारीबाग में 5 बदमाशों ने एक सुनार की दुकान में लोगों को बंधक बनाकर दिन दहाड़े 10 लाख के जेवरात लूट लिए। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 लाख रुपए की चोरी के गहने और बाइक बरामद कर गैंग का भंडाफोड़ करने का दावा किया। राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद राहुल गांधी से माफी की मांग को लेकर मध्य प्रदेश BJP राज्य के हर जिले के DM दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन करेगी। राजस्थान के महुआ से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय विधायक OP हुडला ने मतदाताओं का आभार जताने के लिए चौराहे पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश किए। यूपी के फिरोजाबाद में एक लड़का एक कारोबारी से सड़क पर नोट गिरने की बात कहकर उसकी स्कूटी से 2 लाख रुपए निकालकर फरार हो गया। संसद भवन की केंद्रीय कक्ष में भारत रत्न और पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की लाइफ साइज पेंटिंग लगाई जाएगी। पूर्व PM मनमोहन सिंह ने अपनी किताब चेंजिंग इंडिया के विमोचन के मौके पर कहा कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और कभी भी प्रेस से नहीं डरे। I was never not the prime minister who was afraid of talking to the press.